बेसिक एजुकेशन में आप सबको एक दो फिर खुश आमदीद कहते हैं। हम आपके लिए हर रोज कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह के नए मेथड लेके आए ताकि आप अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो आपको किसी तरह की कोई मुश्किल पेश ना आए। तो इसके लिए अभी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फौरन अपने सब्सक्राइबर बटन पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो, और एक एक्टिविटी हम आपके साथ शेयर करने जा रही हैं। जब हम अपने बच्चों को ये लेटर सिखाते हैं, मींस हम इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो फिर उसके लिए हम पहले वॉवल एंड कंसोनेंट का कंसेप्ट देते हैं। तो इसके लिए हम अपने बच्चों को कैसे ये एक्टिविटी करवाएं कि बच्चे हमारे जो हैं उनको ये पता चल जाए कि कंसोनेंट्स कौन से हैं और वॉवल कौन से हैं। एक्चुअली वॉवल जो होते हैं वो मोस्टली वर्ड्स में यूज होने वाले लेटर्स हैं। कोई भी मोस्टली मतलब कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें हमें वॉवल्स का यूज जो है वो ना मिले। होंगे ऐसे, लेकिन ज्यादातर वॉवल्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज्यादा है। और कॉन्सोनेंट जो है वो कॉन्सोनेंट वो हैं जो वॉवल के साउंड जो है वो नहीं निकालते, ये तो कंसिडरेबल है। तो हम अपने बच्चों को कंसेप्ट कैसे देने वाले हैं, जब वो ABC लर्न कर लेते हैं, इन लेटर्स को लर्न कर लेते हैं, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स के बारे में रिकॉग्निशंस उनको मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी जो है वो छोटी सी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यूं आप उनको ABC जो है वो पूरी लिख के दें और उनसे कहें सर्कल द वॉवल्स। मतलब अगर इसके बाद, अब वॉवल्स हमने उनको बताए हैं, देर आर 5 वॉवल्स लेटर AEIOU, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सर्कल करते हैं। ए को सर्कल किया, ए वॉवल था, ए ई आई यू इसके नी ओ एन यू, ये 5 हमारे पूरे हो गए। पहले तो उनको बताएं कि देर आर 5 वॉवल्स लेटर AEIOU। देन ये प्रैक्टिस जो है इसमें से निकालना, डिफ्रेंशिएट करना कि पूरे जो ABC हमने लिखी है A to Z, उसमें से जो है वो वॉवल को और कॉन्सोनेंट को सेपरेट करें। तो वॉवल को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉवल्स को यहाँ पर सर्कल कर लेंगे, देन यहाँ पर जो है इनको सेपरेट करके यहाँ पे लिख लेते हैं। ए ई आई ओ ओके। यहाँ पे सिर्फ मतलब इंट्रोडक्शन देना है आपको कॉन्सोनेंट का एंड वॉवल्स का, राइटिंग मेन इश्यू नहीं है, इसलिए मैंने इस चीज़ को फोकस नहीं किया है। आगे जो है वो आप एक हैंड ड्रॉ करें, क्योंकि वॉवल लेटर जो हैं वो 5 हैं, ठीक है, और हमारी फिंगर्स भी जो हैं वो हमारे हाथ की फिंगर्स 5 हैं, तो हम क्या करेंगे, आप उनसे कहें कि वो अब इन सेपरेट किए हुए वॉवल लेटर्स को, ये एक अलग से एक्टिविटी है, मीन्स पहले सर्कल वाली एक्टिविटी है, ठीक है, पहले इनको सर्कल करें, दूसरी एक्टिविटी जो है वो नंबर 2 एक्टिविटी जो है वो उनको सेपरेट करके लिखना है, एंड तीसरी जो एक्टिविटी है आप उनसे कहें कि वॉवल्स जो सेपरेट किए हैं उनको सीक्वेंस के हिसाब से या फिर जैसे भी उनको लगता है वो यहाँ पे लिख दें। ज़्यादा लिखते हुए हम जो है वो स्मॉल लेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे, ए ई आई ओ यू। ओके जी, ये थी हमारी 3 एक्टिविटी, बहुत ही शॉर्ट सी और ये बहुत ही आसान है, ये बच्चे आपके जो है वो बड़े अच्छे से लर्न करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2 एंड एक्टिविटी नंबर 3। ये जी हमारे जो है, हम अपने बच्चों को इस तरह से कंसेप्ट दे सकते हैं वोवल का और कंसोनेंट का। के जी ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो,
आप अपने बच्चों के साथ शेयर करें उनको, अगर आपको लगता है कि उनसे नहीं याद हो पा रहे तो इस तरह की एक्टिविटी करवाएं, क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल थिंग से लर्न करते हैं, उतना वो जो हम उनको रूट लर्निंग करवाते हैं, रट्टा लगवाते हैं, उससे नहीं लर्न करते। तो आप इसको, इस तरह की एक्टिविटी डिज़ाइन करके उनको सिखाएं तो आपके बच्चे ज़रूर इसको लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों के लिए उनकी स्टडी को आसान बनाइए।